सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत शिवानी पसबोला न्यायिक बंदीगृह लोहाघाट पहुंची, जहां उनके द्वारा सभी बंदियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया गया। सचिव शिवानी पसबोला ने मीडिया कर्मियों से बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्ता रखने में असमर्थ बंदियों को निःशुल्क वकील या कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के साथ साथ दूसरे अन्य कानूनी मदद भी मुहैया करवाता है। इस दौरान उन्होंने सभी बंदियों को अपनी अपनी बैरकों को साफ सुथरा रखने और नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने बंदियों से भोजन, स्वास्थ्य और उनकी अन्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। बंदियों को मिलने वाले भोजन का निरीक्षण भी किया और बंदियों के द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को उनके सम्मुख जो रखा गया उसको सुना गया। और साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान पीएलबी राजीव मुरारी, पीएलबी रेणु गढ़कोटी, रिस्ट सहायक पवन जोशी, दीपचंद्र भट्ट, बंदी गृह प्रभारी अनिल टमटा इत्यादि लोग मौजूद थे। विचाराधीन बंदीगढ़ की जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कई लोगों के पास कोई पैरवी करता नहीं है, फैमिली में कोई फैमिली मेंबर ही नहीं है, या किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि निःशुल्क अधिवक्ता मिल सके, तो वैसे जो भी विचाराधीन बंदी हैं उन्हें हम निःशुल्क अधिवक्ता देते हैं। और यदि ऐसे हैं कि जिनकी जमानत हो गई है और वो जमानत भी पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी एज पर लॉ उनको हमारी तरफ से जो भी उनको सुविधा दी जा सकती है वो हम देते हैं न्यायालयों के माध्यम से। मेन रूप से यही है कि कुछ जो कि गैर प्रांत के होते हैं या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो उनके केसेस में ये है कि उनके पास जमानती नहीं है, या फिर कईयों के बारे में ऐसा है कि उनके फैमिली से कोई पैरवी करता नहीं है, तो हमारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल आते हैं, उनके माध्यम से उनकी पैरवी हो सकती है। अन्यथा उनका आवेदन हमने जेलर साहब को कहा भी है कि हमें भेजें, हम उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी जमानत लग सके और उनको न्याय मिले। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।